हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर में होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज के हॉल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ समर अप्रोप्रिएट आउटफिट, जिनको आप इजीली कैरी कर सकते हो होल डे। मतलब ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जो इजीली पूरे दिन कैरी कर सके, समर्स में अच्छा लगे, लुक भी अच्छी आए, सुपर कम्फर्टेबल हो। तो आज आपको फ्लोरल पैटर्न एस्थेटिक प्रिंट देखने के लिए मिलेंगे, और ये सारा कलेक्शन मैंने लिया मिंत्रा से, काफ़ी अच्छे प्राइस में मैंने लिया। आई होप आपको भी इसी प्राइस में मिले। मिंत्रा में प्राइजेस अप डाउन हो सकते हैं, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर कम हो रखे तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना। बस करना क्या, अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो डोंट वेस्ट अ टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो जो फर्स्ट कुर्ती मैं आपको शो करने वाली हूँ, वो है ब्रांड हेयर नाउ से। फ्लोरल प्रिंट में आपको मिलने वाली है इस तरीके से। पूरी आपको यहाँ पे क्रोशिया लेस की डिटेलिंग मिलेगी। यहाँ पे मैंने एल साइज पिक किया है, और यहाँ पे आपको स्वीट हार्ट नेक मिलने वाला है। इस तरीके से आपको हेयर नाउ का यहाँ पे टैग लगा हुआ मिलेगा। एल साइज मेरे पास है, साइजेस अवेलेबल है इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर 3XL तक। और इस तरह का ओवरऑल इसका डिजाइन है, बहुत ही प्रिटी लग रही थी। और ये आपको ना मस्टर्ड, लाइट मस्टर्ड बोल सकते हो, उसमें आपको मिलने वाली है। रेयन की कुर्ती आपको मिल रही है, आलिया कट स्टाइल यहाँ पे मिलेगा। इस तरह का इसका ओवरऑल लुक है। फ्लोरल पैटर्न आपको मिलेगा देखने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी इसकी आपको लेंथ मिली है, 46 आपको इसकी लेंथ मिली है। और साइड स्लिट में भी आपको इस तरह की क्रोशिया की लेस लगी मिलेगी, जो फ्रंट पैनल में इस तरीके से मैं आपको शो कर देती हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे लेस लगी हुई मिल रही है, और जहाँ से आपके गैदर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे भी आपको इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी, जो कि क्रोशिया लेस की है। कलर शेड बहुत अच्छा, समर अप्रोप्रिएट है। इस तरह के जो फ्लोरल पैटर्न होते हैं समर्स में, बहुत ही अच्छे लगते हैं, सूदिंग से लगते हैं, ईजिली आप कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्रंट मतलब साइड स्लिट ओपन मिल रही है, कईयों में स्टिच मिलती है। आप इसे व्हाइट बॉटम के साथ कैरी कर सकते हो, बेज कलर के बॉटम के साथ कैरी कर सकते हो। तो अच्छी कुर्ती है, इसको भी आप पिक कर सकते हो। और यहाँ से बैक से आपको शो कर देती हूँ, बैक से सेम हुई फ्लोरल पैटर्न आपको मिलेगा। कलर शेड बहुत अच्छा है। स्लीव्स की बात की जाए, 3/4 स्लीव्स मिलेंगे। स्लीव्स में भी आपको क्रोशिया की लेस लगी हुई मिली है। इस तरीके से ओवरऑल इसकी डिटेलिंग आ रही है, और यहाँ पे आपको स्वीट हार्ट नेक मिल रहा है, इतनी आपको लेंथ मिली है। तो आपको मैं यहाँ पे इसका फ्लेयर भी दिखा देती हूँ, इतना आपको फ्लेयर शो हो रहा है। तो अच्छी कुर्ती है, समर्स के लिए चेकआउट कर सकते हो। उसके जो भी प्राइस स्क्रीन में शो हो जाएंगे। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे सिमिलर आउटफिट भी मैं आपको टैग कर दूंगी, तो आप वो भी पिक कर सकते हो। तो ये रही मेरी फर्स्ट फ्लोरल कुर्ती, जो कि आपको लाइट मस्टर्ड शेड में मिलने वाली है। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट। और जो नेक्स्ट आउटफिट है वो ब्रांड इशीन से है। मतलब मैं जस्ट उसको चेकआउट कर रही थी, स्क्रॉल डाउन कर रही थी, तो मुझे ये आउटफिट दिख गया, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको लिया। जो भी इसके प्राइजेस होंगे स्क्रीन में शो हो जाएंगे। 2-पीस सेट आपको मिलने वाला है, फुल पार्टी वेयर आपको यहाँ पे मिलेगा। कुर्ती मिल रही है, और साथ में आपको बॉटम मिल रहा है। तो फर्स्ट कुर्ती को देख लेते हैं। कुर्ती की बात की जाए तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट फिट कुर्ती रिसीव होने वाली है। नेक पे आप देख सकते हो पूरा जरी वर्क रखा है, और यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हो राउंड नेक की कुर्ती है। एल साइज मैंने पिक किया, साइजेस अवेलेबल है स्मॉल से लेकर 2XL तक। और पूरा इस तरह का जरी वर्क की आपको डिटेलिंग मिलेगी। पीची टोन में कुर्ती मिलने वाली है, पूरा फॉयल प्रिंट से, मतलब काफी अच्छा यहाँ पे प्रिंट वर्क रखा है। इस तरीके से मैं आपको शो कर देती हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा यहाँ पे आपको ये प्रिंट वर्क मिलेगा। 46 फ्रंट टर्न मिली है। कलर बहुत अच्छा है, सूटिंग सा कलर लग रहा है। आपको नाइट में कोई पार्टी फंक्शन में डालना है, तो इसके साथ अच्छा सा दुपट्टा आप डाल के इसको पेयर अप करके जा सकते हैं। इस तरीके से आपको मिलेगी। स्लीव्स की बात की जाए तो स्लीव 3/4 मिले, उसमें भी आप देख सकते हो इतना प्रिटी सा पेजली डिजाइन वर्क हो रखा है। और पीच में आपको इस तरह का लाइट शेड से डिजाइन वर्क मिलेगा, जो कि प्रिंट वर्क हो रखा है। हल्का हल्का फॉयल प्रिंट भी मिल रहा है, जिससे कि अच्छी लग रही है, फेस्टिव अप्रोप्रिएट लग रही है, किसी भी फेस्टिव में आप इसे यूज कर सकते हो। बैक से बात की जाए तो वही प्रिंटेड आपको कुर्ती मिलने वाली है। और फैब्रिक की बात की जाए तो सिल्क ब्लेंड मटेरियल में आपको कुर्ती मिली है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी। अगर ये अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। अपनी मदर को गिफ्ट देना चाहते हो, किसी को गिफ्ट देने के पर्पज़ से भी बेस्ट है, क्योंकि इस तरह का सिल्क मटेरियल आपको मिल रहा है। और योग पार्ट पर भी मिनिमल सा डिजाइन वर्क हो रखा है, जो कि प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी से हो रखा है। इस तरीके से आप देख सकते हो पूरी जरी वर्क से यहाँ पे आपको मिल रहा है इस तरीके से। तो नाइट में तो बहुत ही अच्छी लगने वाली कुर्ती है, ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी। इस तरीके से आपको मिलेगा। बैक से शो कर देती हूँ, इस तरह का पूरा प्रिंट वर्क मिलेगा, जो आपको फ्रंट में मिल रहा है। सिर्फ ब्लेंड मटेरियल है, चेकआउट कर सकते हो। अब जल्दी से इसका बॉटम देख लेते हैं। बॉटम की बात की जाए तो अगेन सिल्क मटेरियल में आपको मिलेगा, सॉफ्ट मटेरियल है, इजीली आप इस आउटफिट को वेयर कर सकते हो। सुपर सॉफ्ट है, इस तरीके से आपको मिलेगी। बॉटम की आप लेंथ फिट देख सकते हो, 38 आपको मिलने वाली है। हिप एरिया पे मार्जिन काफी अच्छा है, और यहाँ पे इस तरह का स्ट्राइप पैटर्न मिलेगा। मिक्स एंड मैच काफी अच्छा किया गया, बस आपको जस्ट दुपट्टा एड ऑन करना है। बोथ साइड आपको इलास्टिकेटेड मिलेंगे, कोई पॉकेट रिसीव नहीं हो रहा है। हिप एरिया में मार्जिन काफी अच्छा है, ओवरऑल लुक काफी अच्छी आ रही थी। न्यूट्रल सा टोन है, इजीली कैरी कर सकते हो समर्स में। तो ये थी मेरी सेकेंड आउटफिट।
मोन टू नेक्स्ट कुर्ती, नेक्स्ट कुर्ती में आपके साथ शेयर करने आ रही हूँ। अगेन ये ब्रांड हेयर नाउ से, इनकी कुर्तियाँ बहुत अच्छी होती है, एक तो काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाती है और मटेरियल आपको या तो कॉटन मिलेगा या आपको मिलेगा रेयॉन। तो ये सेकंड वाली जो मैंने पिक करी हेयर नाउ से, यहाँ पे आपको कॉटन मटेरियल मिल रहा है, इस तरह का आपको डिटेलिंग मिलेगी। नेक आप देख सकते हो क्रोशिया की लेस लगी हुई है, एल साइज मैंने पिक किया है और ब्लैक में व्हाइट का जो प्रिंट था बहुत ही अच्छा लग रहा था, इस तरीके से नेक मिल रहा है। यहाँ पे ना सेपरेट दूसरा आपको फैब्रिक अटैच किया हुआ है, इसलिए नेक बिल्कुल डीप नहीं है, इस तरीके से आपको मिलेगा। बाकी आपको ट्राई ऑन में शो हो जाएगा, ओवरऑल लुक काफी अच्छा है, स्ट्रेट फिट आपको मिलने वाला है, 3/4 स्लीव्स मिलेंगे, स्लीव पे भी इस तरह की डिटेलिंग है, हाफ में आपको इस तरह की लेस से अटैच कर रखा है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको मिलेगी, मतलब यहाँ से आर पार दिख रहा है, इस तरीके से आपको मिलेगी नेट वाली डिटेलिंग और यहाँ पे इस तरह की पॉम पॉम की डिटेलिंग आपको मिलेगी स्लीव पे। अच्छी कुर्ती है, ऑफिस वेयर के लिए आपको चाहिए, कॉलेज वेयर के लिए चाहिए तो परफेक्ट है, आप इसे जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो, डेनिम के साथ और या व्हाइट कलर के बॉटम के साथ। बैक से बात की जाए तो सेम वही प्रिंट वर्क आपको मिलेगा और इसमें भी साइजेस अवेलेबल है, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके 3XL तक 100% कॉटन मिला है, तो बेस्ट है समर्स के लिए, जिनको कॉटन प्रेफर करते हैं तो इसको पिक कर सकते हैं। प्राइजेस इसके हैं 467 इसके प्राइजेस हो रखे हैं, चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही प्रिटी कुर्ती है, सुपर सॉफ्ट है और लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी, ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट है, तो इसे भी बाय कर सकते हो। ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट, नेक्स्ट आउटफिट भी प्योर कॉटन का आपको मिलने वाला है, ये मैंने ब्रांड विशू से लिया है और विशू में आपको मतलब ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी सब नहीं मिलती, प्रिंट वर्क ही मिलता है, तो यहाँ पे मैंने 3 पीस सेट मुझे दिखा था बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो मैंने कहा चलो पिक करते हैं। इस तरीके से आपको मिलेगी, यहाँ पे ये कुर्ती मिल रही है, साथ में आपको फर्स्ट शो कर देती हूँ, फर्स्ट कुर्ती आपको मिल रही है, बॉटम मिल रहा है एंड दुपट्टा मिल रहा है। कुर्ती की बात की जाए तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुर्ती रिसीव होगी, 3 शेड अवेलेबल है विशुद्ध ब्रांड में और यहाँ पे आपको 3 शेड मिलेंगे, इस तरह की आपको लेस की डिटेलिंग मिलेगी। यहाँ पे क्रोशिया की लेस नहीं है, थोड़ी थ्रेड वर्क वाली आपको डिटेलिंग मिलेगी, लेकिन फैब्रिक सुपर सॉफ्ट है और ये बिल्कुल फिटेड आई है, मतलब आप बोल सकते हो जैसे एल साइज मैंने पिक किया तो बिल्कुल फिटेड आई है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो एक साइज आप लेना, क्योंकि प्योर कॉटन की है, धोने के बाद श्रिंक होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब जैसे एल मैंने ऑर्डर किया है तो मुझे ये एम लग रहा है, तो एक साइज मुझे आप लेना पड़ेगा, बाकी आप देख लेना अपने आप, अगर फिटेड पहनना पसंद है तो एग्जैक्ट अपना साइज ले सकते हो, थोड़ा लूज पसंद है कॉटन में तो एक साइज आप जाना, इस तरीके से आपको मिलेगी। बाकी फैब्रिक की क्वालिटी टॉप नॉच है, 100% कॉटन आपको मिल रहा है, 3 शेड अवेलेबल है, कोई भी पिक कर सकते हो। इस तरीके से आपको आलिया कट स्टाइल मिलेगा, साइड स्लिट ओपन मिलेगी और यहाँ पे इतना छोटा छोटा आपको ब्लॉक प्रिंट होता है ना, जैसे उस तरीके का आपको मिलेगा, पीची टोन में मैंने पिक किया है और यहाँ हेम पे, यहाँ पे जो गैदर्स आ रहे हैं वहाँ पे भी आपको डिटेलिंग मिलेगी लेस की। इस तरीके से स्लीव की बात की जाए तो इस तरीके से 3/4 स्लीव है, स्लीव्स पे भी आपको इस तरह की डिटेलिंग मिल रही है थ्रेड वर्क की। बाकी कुर्ती काफ़ी अच्छी है और यहाँ से गैदर स्टार्ट हो जा रहे हैं, इतना आपको फ्लेयर मिल रहा है। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, सुपर सॉफ्ट है, स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक साइज आपको मिलेंगे। बैक से बात की जाए तो इस तरीके का आपका पूरा रनिंग में पूरा डिजाइन वर्क मिलने वाला है, जो फ्रंट में है वही बैक में, बस यहाँ से आलिया कट स्टाइल आपको मिलेगा। तो प्योर कॉटन में इस तरह का डिज़ाइन अगर आपको पसंद है तो हाईली रिकमेंड करूंगी, इसको पिक कर सकते हो आप, पहनने का काफ़ी अच्छी लग रही थी वाली कुर्ती। बाकी आपको ट्रायल में शो हो जाएगा, ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छी है और प्राइजेस भी अच्छे हैं इसके, 1149 में आपको प्योर कॉटन की कुर्ती मिली है, सी थ्रू वाली कोई भी नहीं, मतलब मुझे लग रहा है वॉश करने के बाद और थोड़ा मटेरियल थिक हो जाएगा। बॉटम देख लेते हैं, बॉटम की बात की जाए तो सेम वही फैब्रिक में आपको मिलेगी जिसमें आपको कुर्ती को मिल रही थी, कुर्ती का जो फैब्रिक है इस तरीके से एल साइज मैंने पिक किया है और यहाँ पे भी आपको कोई पॉकेट नहीं मिल रहा है, आप मार्जिन देख सकते हो, स्ट्रेट पैंट आपको मिल रही है प्योर कॉटन की, तो इस तरह का इसका ओवरऑल लुक है। 3 शेड अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद है आप पिक कर सकते हो। तो ये हो गया इसका बॉटम, अब प्रिटी सा दुपट्टा देख लेते हैं जो कि आपको कॉटन में मिलने वाला है, इस तरीके से आपको पूरा 2.5 मीटर का दुपट्टा मिलेगा, ये आपको वाइट शेड में मिलने वाला, वाइट में इस तरह का डिजाइन वर्क करके तो दुपट्टा कंट्रास्ट कर दिया है, तो लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी इसके साथ इस वाले आउटफिट की। इस तरीके से आपको दुपट्टा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा फैब्रिक लगा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है, तो ओवरऑल इससे इसको थोड़ा लुक को अलग करा गया है, तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। प्योर कॉटन का आपको दुपट्टा मिल रहा है, सॉफ्ट है, इजीली आपको पल्लू वल्लू डालने के लिए चाहिए तो इसको भी पिक कर सकते हो, अच्छा आउटफिट है, ऑफिस वेयर के लिए बेस्ट है, सूदिंग सा शेड है, इसको भी बाय कर सकते हो। मोन टू नेक्स्ट कुर्ता, नेक्स्ट कुर्ता मैंने अनूप ब्रांड से लिया, ये भी कंप्लीट सेट है और ये भी काफ़ी कम प्राइस में, मतलब 3 पीस सेट है लेकिन अच्छा खासा लुक आ रही थी इसकी भी, इस तरीके से आपको मिलेगा, विस्कोस इसका फैब्रिक है रेयॉन और आप पहले लुक देख लीजिए, इस तरीके का आपको आउटफिट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुर्ती मिलेगी, दुपट्टा मिलेगा ऑर्गेन्जा का इस तरीके से और बॉटम मिलेगा, तो कुर्ती से स्टार्ट करते हैं।
कुर्ती की बात की जाए तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अनूप ब्रांड की कुर्ती रिसीव होगी, स्वीट हार्ट नेक आपको मिलेगा। फैब्रिक इतना सॉफ्ट है ना, पूरी फ्लोरल पैटर्न में आपको मिलने वाली है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी जरी वर्क का नेक वर्क में मिलेगा डिजाइन, और यहाँ से मिलेगा जो आलिया कट में होते हैं गैदर स्टार्ट हो रहे हैं इस तरीके से। तो नॉर्मल किसी पार्टी फंक्शन के लिए चाहिए, छोटे मोटे ओकेजन के लिए चाहिए, पिक कर सकते हो। सुपर सॉफ्ट फैब्रिक है और इस तरीके से आपको मिलेगा, टू शेड अवेलेबल है। आप कॉम्बिनेशन पीची टोन में ना काफी अच्छा बनाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हो। फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल आपको मिला है। 3/4 स्लीव्स मिले, स्लीव्स पे भी आपको इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी। जो ये बेज आपको दिखा रहा है ना, जो बेज शो हो रहा है फैब्रिक, इसका आपको बॉटम रिसीव होगा, वो भी प्योर कॉटन का आपको मिलने वाला है। तो अच्छा आउटफिट है, इस तरीके से आपको मिलेगा। फ्रंट लेंथ की बात की जाए तो 46 से अबव भी आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ना पूरी स्टिच हो रखी है, तो कोई भी यहाँ से आपको स्लिट नहीं मिली है। तो स्टिच आपको यहाँ पे फ्लेयर वाली कुर्ती मिली है, आप बोल सकते हो अनारकली मिल रही है, इस तरीके से आपको फ्लेयर मिल रहा है। फ्लोरल पैटर्न काफी अच्छा है। बैक से बात की जाए तो पूरा वही फ्लोरल पैटर्न आपको मिलेगा, लेकिन कलर शेड बहुत अच्छे हैं। लाइट पीची टोन में आपको ग्रीन क्रीम के ये जो फ्लोरल से पैटर्न मिले, इनसे लुक काफ़ी अच्छा रहती है, हर स्किन टोन में अच्छे लगने वाले हैं। और हल्का हल्का इनमें ना गोल्डन टच भी था इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो उससे कुर्ती और भी अच्छी लग रही थी, इस तरीके से पास से दिखा देती हूँ। इस तरह का आपको गोल्डन टच भी दिखेगा इस वाली कुर्ती में, तो फेस्टिवल्स में या कोई पार्टी ओकेजन है आप इसे वेयर कर सकते हो। लुक काफ़ी अच्छी रहती है। एल साइज मैंने पिक किया है और साइजेस अवेलेबल है इसमें, स्मॉल से लेकर 3XL तक, जो भी आपका परफेक्ट साइज है आप पिक कर सकते हो इजीली। इसका फिट भी मुझे काफ़ी अच्छा था, जो मैंने पहले दिखाई थी वो बिल्कुल फिटेड थी, तो इसको पिक कर सकते हो। अच्छा आउटफिट है और प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा है, 1287 में आपको कम्प्लीट सेट मिला है, चेकआउट कर सकते हो। बॉटम की बात की जाए तो प्योर कॉटन का आपको बॉटम मिलेगा इस तरीके से, बेल्ट स्टाइल में, और यहाँ पे आपको पॉकेट भी मिलने वाली है। सी थ्रू वाला कोई भी आउटफिट मैंने शो नहीं किया, इस तरीके से आपको यहाँ पे पैंट मिलेगी बेज कलर का, अदर आउटफिट में भी आपका यूज हो जाएगा। स्ट्रेट पैंट आपको मिलेगी, फ्लेयर कुर्ती है, मतलब अच्छी सी फ्लोर लेंथ की आ रही थी, तो इतना सा ही आपको बॉटम शो होगा, तो इसको भी पिक कर सकते हैं। अब इसका प्रिटी सा दुपट्टा देख लेते हैं, जो ऑर्गेन्जा में मिलने वाला है। ऑर्गेन्जा भी बहुत सॉफ्ट वाला है, इस तरीके से आपको मिलेगा। पूरा 2.5 मीटर का आपको दुपट्टा मिलेगा, विड्थ इतनी मिल रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा था दुपट्टा, इस तरीके से आप देख सकते हो। लुक कितनी अच्छी आ रही है, जैसे वो साड़ियों में होता है ना डिज़ाइन, इस तरीके का आपको यहाँ पे बॉर्डर मिला है, और ये पूरे डिजिटल पैटर्न आपको मिल रहा है। तो ऑर्गेंजा बहुत सॉफ्ट वाला यूज़ किया गया है इस तरीके से, और इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। पेयर अप करने के बाद कंप्लीट सेट ऑसम लग रहा था, बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी, कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है इस वाले आउटफिट को अगर बाय करते हो। तो ये रहा मेरा लास्ट आउटफिट जो मेरा फेवरेट है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2 शेड अवेलेबल है और सेकंड वन ग्रीन है, तो जो भी आपको पसंद है आप पिक कर सकते हो। तो ये था मेरा लास्ट आउटफिट। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का हॉल वीडियो ब्रांड मिंत्रा से। आई होप आपको कलेक्शन अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल में बने रहें। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो और चैनल में आने वाली है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।